उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का न केवल संज्ञान लेता है बल्कि उनकी सुरक्षा संरक्षण पुनर्वासन का प्रबंध भी करता है। ये अभी 3 दिन पहले फोटो वायरल हुआ तो मेरी मेंबर सेक्रेटरी अर्चना गहरवार जी ने मुझे कहा कि ये जरा अध्यक्ष जी इसको देखिए, तो मैंने तुरंत ही मुजफ्फरनगर उसके लिए जब फ़ोन मिलाया तो वहाँ उन्होंने उस दिन बच्चे को रेस्क्यू करा लिया था वहाँ से, और रेस्क्यू कराने के बाद उस बच्चे का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल कराने के साथ में उस बच्चे के पुनर्वासन के लिए जो वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने ये प्रतिबद्धता दोहराई है कि वो बच्चा अब पुलिस मॉडर्न स्कूल में उसका दाखिला होगा। अभी आज ही मुजफ्फरनगर के जिला प्रोबेशन अधिकारी से बात करने पर ये बात सामने आई है कि बच्चे का चिकित्सीय परीक्षण हो चुका है, वो स्वस्थ है, कोरोना रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, उसको धीरे धीरे मेरठ के बाल गृह में वहाँ उसको पुनर्वासित कराने का प्रबंध किया जा रहा है और जल्दी ही उसका दाखिला पुलिस मॉडर्न स्कूल में होगा जहाँ बच्चा वो धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करेगा और अपने बचपन को भी सुसंगठित और सुसज्जित करने का प्रयास करेगा। क्या नाम आपका? अंकित। अंकित जी, आप किस चौक पर रहते थे कुत्ते के साथ में? क्या आप सोचते रिश्ता तो कुछ ना था, वो कुत्ता हमारा पालतू था, वो हमारा मेरे पास रहता था, जब से वो मेरे पीछे पड़ गया जब से मैं उसको दिखाऊं। आप क्या मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरे मम्मी पापा ना, मेरी मम्मी भाग गई पापा जेल में मेरे भैया को लेकर। तो कितना टाइम से आपके साथ में कुत्ता रह रहा था? हैं? कुत्ता कितना टाइम से रह रहा था? 20-21 दिन हो गया। कहाँ पे रहते हो आप? शहर में पीछे ना रह रहे थे कुत्ते के साथ? हम यही रहते सीवी चौक पर, मुझे तो इधर मिला मार्केट में। अच्छा, तो फिर खाते खा देते और कुत्ते को क्या खिलाते थे? कुत्ते को दूध और ब्रेड खिलाता था रात को चाय पे, वो चाय वाले के कप धोता था ना, इसलिए वो दे दे कर रहे था। दिन भर में मेहनत करते थे वो, कुत्ते को जो रात को गत्ता मिलता था उसे मैं बेच आता था आज इतने 50-60 रुपए, और फिर लॉयटिन चुकता था, अब फिर खर्चा तो बन जाता था। फिर आपको आपके पास पुलिस पहुंची, पुलिस ने क्या किया आपके लिए? कौन पुलिस? हाँ। पुलिस ने मुझे नए कपड़े पहनाए और सही जगह पहुंचाए, स्कूल में एडमिशन कराया। हाँ। थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। तो अभी कुत्ता कहाँ है आपका? वो कुत्ता घूम रहा है अब, शाम को आ जाएगा। हाँ।